आज हमारा एक गाना रिलीज होने वाला है बहुत जल्दी, तो उसके लिए प्रमोशन के लिए हम लोग आपके सामने हैं। और गाना बहुत प्यारा है, और आपको पता है ये गाना नॉट ओनली कवर, ये एक बहुत ही प्यारा हम लोगों ने इसको बनाया है, और इसमें मेरे साथ हीरोइन भी है यार, ऐसी बात नहीं है, मेरी हीरोइन भी मेरे साथ है, वो भी बहुत जल्दी आपके साथ अभी होंगी। और तब तक मैं मेरे गिटार के साथ थोड़ा सा मस्ती करने के मूड में हूँ, तो अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो मैं जरूर गाऊंगा, और मुझे अच्छा लगेगा एक्चुअली, आई थिंक गुड। तो कोई गाना लेते हैं। सदियों से तरसे जैसी जिंदगी के लिए, तेरी सोहबत में दुआएं हैं उसी के लिए, तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ अलग लेते हैं। हाँ
और सबसे ज़्यादा क्रेडिट दूंगा हमारे सुशील पांडे जी को, मेरे भाई को, और मेरे सौरभ भाई को, और सुबोध भाई को, और हमारी जो एक्ट्रेस साहिबा हैं सोनाली मंडल जी, और मेरे भाई को नहीं, क्योंकि मतलब ये टीम हर जगह होती है मेरे साथ और हम लोग कुछ भी करते हैं तो ये टीम मतलब अलग माई टीम अलग, क्योंकि इनके बिना मतलब I'm just zero. क्योंकि मेरे पास टैलेंट है वो तो सबके पास होता है बट टैलेंट टैलेंट के लिए एक्सपोजर ज़रूरी है तो वो सबसे बड़ी चीज़ है तो मेरी टीम मेरे साथ है तो मैं ऐसा हूँ और थैंक्स टू गॉड कि मुझे इतने प्यारे सारे भाई लोग दिए जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है फुल टू फ्रीडम के साथ हम लोग काम करते हैं फुल टू मस्ती करते हैं काम में और मज़ा आता है काम करने और आई होप आप सबको भी मज़ा आएगा क्योंकि अभी बहुत सारे सॉन्ग्स आप लोग सुनेंगे और मेरी वॉइस के साथ उनकी क्रिएटिविटी भी आपको देखने के लिए मिलेगी तो आपको बहुत मज़ा आएगा ट्रस्ट मी आपको बहुत मज़ा आएगा तो अभी कुछ और भी लेते हैं शायद शायद हमारे एक्टर साहब आ चुकी हैं क्योंकि वो थोड़ा बिजी थी तो इसलिए तो उनको भी ज्वाइन करना है हमें अभी तो बहुत जल्दी अभी वो भी आपके साथ होने वाली हैं कुछ एक दो मिनट में बस शी हैड शूट तो हमको थोड़ा सा वक्त आपसे चाहिए ये सॉन्ग रफी साहब ने गाया है और फील तो रफी साहब पे रहेगा जस्ट वॉइस मेरी रहेगी जब चुराओगे तुम
तू की जाने प्यार मेरा।
हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे काफी सारे मेहमान आ चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे हमारे एक्ट्रेस आई मीन मेरी हीरोइन सॉन्ग के अंदर तो वो हमें ज्वाइन कर रही है, तो बहुत जल्दी आपके सामने है। तो आइए। हेलो हेलो Hi. Hi. How are you? I'm good. What's up? Good. So, अभी क्या सुना रहे हो? बस मैं तो सुना ही रहा हूँ, सब लोग सुन रहे हैं और मजा आ रहा है काफी। और और अभी काफी टाइम से मैं सुना ही रहा था, तो बट मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अपना आपके सॉन्ग के बारे में भी दो लाइन में सुनाई देता हूँ। Okay, very nice. ये तो बहुत अच्छी बात है। पर हम लोग की केमिस्ट्री लोगों को बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि हम लोग ने बहुत मजा किया है। पर अभी आगे बहुत सारे सॉन्ग आने वाले हैं हम लोग के साथ, तो मैं आपको दो लाइन उसकी सुनाता हूँ। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे हम यार भीग जाए इस चाहत की बारिश में, तेरी खुली खुली लटों को सुलझाऊं मैं अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे हम यार भीग जाए इस चाहत की बारिश में, तेरी खुली खुली लटों को सुलझाऊं मैं अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों सन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में, जरा सा महकता है आज तो मेरा धन बदन, मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। ओ थैंक यू। सीरियसली लोगों को तो पसंद आना चाहिए। हाँ पसंद आएगा, बहुत मजा करेगी। और सो बताइए और क्या सुना सकते हैं? और बहुत कुछ सुना लिया है, और वो तो काफी टाइम हो गया मुझे सुनाते सुनाते। सो इस सॉन्ग के बारे में क्या बोला आपने अभी तक? मैंने बहुत कुछ बोला है कि हम लोग की टीम बहुत अच्छी है, हम लोग की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है काम करने में, और मतलब पूरी टीम केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी है। नो डाउट, बहुत मजा आया काम करके। और हमारे प्रोड्यूसर सर एंड हमारे सब बोला, सुबोध जी के लिए बोला मैंने, क्योंकि हमारे डायरेक्टर सुबोध जी और हमारे सुशील जी, हमारे सौरभ जी, नईम जी और आप, ऑल टीम, और एंटायर टीम, और नवेद जी, एंड आपकी वॉइस तो मतलब बहुत अच्छी, सीरियसली ये सबको पसंद आएगा ये चीज। थैंक यू सो मच। एक्चुअली पूरी टीम मिलके ही हम लोग मतलब एक 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 प्रोडक्ट बनते हैं, और उसके बाद ही लोग डिसाइड करते हैं कि उनको अच्छा लगा कि नहीं लगा, बट आई होप उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी तक मेरे काफ़ी सॉन्ग जो भी रिलीज हुए हैं पब्लिक ने ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया है, और वो लोग वेट करते हैं एक्चुअली गानों का। एक्चुअली आपके लिए मैसेज भी आ रहा है मेरे पास कि आपके साथ मैं काम कर रही हूँ, सीरियसली लाइक मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि आप सर के साथ, आप मैं जानती हूँ उनके साथ, लाइक यू नो। थैंक यू सो मच। और एक्चुअली यही है कि
ऐसे ही कोऑर्डिनेशन से ही लोग आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही काम होते हैं और ऐसे और भी बहुत सारे हम लोग काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे और बहुत मतलब बहुत मस्ती करेंगे और इन फ्यूचर भी हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने काफी सारा डिसाइड किया है काफी सारे सॉन्ग्स करने का। तो अभी हम लोग के मतलब बैक टू बैक सॉन्ग्स आ ही रहे हैं और हम लोगों ने शूट भी कर लिए हैं, अब जस्ट हम लोगों को अपलोड करना बाकी है, बस उस टाइम का वेट कर रहे हैं ना कि उस टाइम से हम बैक टू बैक, बस वी आर वेटिंग फॉर गुड टाइम, गुड टाइम। सो न्यू ईयर एंड सारा चीजें अब बैक टू बैक आने वाले हैं, हम लोग कुछ भी मतलब अब जो भी है फर्स्ट ऑफ जनवरी से हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे और मतलब आप सबको सुनने का मौका मिलेगा हमारे सारे सॉन्ग्स को और आपके प्यार देने का मौका मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि आपने जैसे अभी तक मुझे इतना प्यार दिया है, आप लोग आगे भी अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और हमें अपना साथ अपना अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही देते रहें। तो मैं अभी चाहता हूँ कि मैं आपको एक कुछ और सॉन्ग कुछ अच्छा सा क्या सुनाने वाले हैं, कुछ और आपको अच्छा सुनाता हूँ। ओह माय गॉड सरप्राइज। एक्चुअली ये सॉन्ग मेरे दिल के बहुत करीब है और ये सॉन्ग मतलब फर्स्ट टाइम से जब से मैंने सुना है ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है और मैं सॉन्ग का दीवाना हूँ। एक बार तो मैंने परफॉर्मेंस भी दी थी, मैंने ये परफॉर्मेंस दी थी मेरे ही एरिया में दिल्ली में और मतलब आप यकीन करेंगे ना वहाँ पे कैरोके था और मतलब कैरोके भी नहीं था, कोई साउंड साउंड सिस्टम नहीं था, जस्ट माइक था, वो भी जस्ट ड्राई माइक था। तो उस ड्राई माइक पर मैंने परफॉर्मेंस दी थी और ऑडियंस को मतलब उनको मेरी वॉइस सुन के अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पर म्यूजिक नहीं था तो इसकी वजह से थोड़ा सा एंटरटेनमेंट थोड़ा सा कम रहा। बट आई होप आज मेरे पास गिटार है तो इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है तो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। एक मैं आपको थोड़ा सा एक
उससे पहले जरा जरा से पहले भी हम लोग का एक सॉन्ग आने वाला है, तो उसके बारे में भी आपको दो लाइन सुनाई देता हूँ। सिंगर्स जुड़ने वाले हैं, तो मैं आज मसालेदार कुछ होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत मतलब हमारे लाइफ में मसालेदार चीजें चलेंगी। बिल्कुल मजा आ जाएगा फाइनली, मतलब आज सबको मजा आने वाला है, हम बोर नहीं करने वाले किसी को। जी 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 जी, लाइव म्यूजिक का मजा जी बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही ज्यादा। कम ऑन, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा नईम जी को और सौरभ भाई को साथ में एक इस कोने पे और एक उस कोने में। कम ऑन, तो आप आइए जल्दी और प्लीज। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं नईम जी और ये भी कुछ अपनी मर्जी का कुछ सुनाना चाहते हैं आपको। हमारा कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, हम लोग सब लाइव कर रहे हैं और मतलब आप देख ही रहे होंगे कि मैं कैसे बुला रहा हूँ, कैसे इनवाइट कर रहा हूँ, तो कुछ भी हम लोगों ने फिक्स नहीं किया है, हम लोग का जस्ट सरप्राइज चल रहा है कि कुछ हमारे साथ भी सरप्राइज हो रहा है। हाँ, क्योंकि आपने हम लोग का टाइमिंग भी देखा होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, तो हम लोग ने सब हमने जानबूझ के किया है सर, कि हम लोग थोड़ा सा आपको वेट कराना चाहते हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस हमारे लिए वेट करती है कि नहीं। तो हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया, थोड़ा 30 मिनट्स हम लोग ने ज्यादा लिए कि हाँ ऑडियंस को वेट थोड़ा सा कराते हैं और थोड़ा मजा लेते हैं, ताकि ऑडियंस थोड़ी सी गुस्सा हो फिर मजा आएगा। गुस्सा होना भी जरूरी है जी, तो क्या कहना है। Yeah.
जैसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशू मैं तुमको, जैसे कि पैर जमीनों को हंसना या रोना हो मुझे पागल, सा ढूंढू मैं तुम्हें कल मुझको इजाजत हो क्या है थोड़ा वो तो वो सब होता है, कोई
करते हैं, यहाँ हम लोग आपका एग्जाम लेने नहीं बैठे हैं, माफी अभी मांगने की जरूरत नहीं है। तो स्पिन करते हैं। तो मैं पहले बोल दूं या आप? ये बहुत से लोगों का वैसे फेवरेट सॉन्ग है, और कुछ मतलब कुछ कुछ लव स्टोरी लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर या तो ये सबको पसंद आने वाला है। नो डाउट। तो मैं नाम बता दूं गाने का या आप खुद ही सुन के जान लेंगे? नहीं, वो समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए आपके लिए यहाँ थोड़ा सा सस्पेंस में रखूंगा क्योंकि मेरा फेवरेट है, ऐसे तो नहीं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। चिरो दिनी तुमी जे आमा, जुगे जुगे आमी तुम्हारी। चिरो दिनी हम लोग
आगे क्योंकि एंटरटेनमेंट तो करना है, लोगों को पसंद भी आता है। हम लोग में बहुत ज्यादा बातें कर ली। और बंगाली में कुछ नहीं है क्या? नहीं, बंगाली में आप बोलोगे। मैं बोलूं? हां ओके। सो मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता, दो ही तीन चीजें आती है। अम्मी तुम्हारे भालोबाशी। इसका मतलब मुझे बताओ। तो अभी हमारे जो एक्टर साहब आए हुए आपके लिए कुछ ना कुछ मतलब कुछ बम पड़ने वाली है, तो अब वो लेकिन अभी आप की जो बंगाली जो ऑडियंस है उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? okay. उनको भी तो कुछ बोलिए। right, अब देखिए मैं नॉन बंगाली बंदा है, उनको बोल दिया अम्मी तुम्हारी भालोबाशी। ना शोरा का दा एक्चुअली बोलो तो अमी की बोलूं? अरे कहनो बोल। अमी वो चाहिए कि तू भी दो लाइन गाओ। ना अमी अमर मुंह को नहीं अमी गाते पा। नहीं एक्चुअली उनकी तबीयत खराब है तो उसकी वजह से कोई पॉइंट इशू नहीं है। एक घंटा हमने भी हमारा भी गला खराब थी तो भी हमने कोशिश करा क्योंकि ऑडियंस हमारे वजह से वेट कर रहे थे। आपका गला माशाल्लाह बहुत प्यारा, बहुत ब्यूटीफुल वॉइस है आपकी। और मुझे पता है कि यू नो कि मैं तो सो हमारा सॉन्ग अभी फर्स्ट जेन राइट ना या फर्स्ट जेन को रिलीज हो रहा है और हमारे सॉन्ग को खूब सारा प्यार करो, सपोर्ट करो और ऐसे ही हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लेके आएंगे। जरा जरा से भी एक अच्छे सॉन्ग है, वो भी सरप्राइज है। अभी बहुत सारे मतलब जरा जरा से बहुत सारे होने वाले हैं। तो हम लोगों ने आपके लिए बहुत सारे सॉन्ग्स बनाए हैं और मतलब इसमें काफी सारे सॉन्ग्स लाइंड अप हैं। मैंने ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हम लोगों ने शूट कर लिया है, रिकॉर्ड भी कर लिए हैं, कुछ एडिट पर हैं, कुछ एडिट हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है, तो मतलब सब कुछ डन है, रेडी है और जस्ट वी आर वेटिंग फॉर फर्स्ट ऑफ जन। तो हम लोग बैक टू बैक आपके लिए सॉन्ग्स अपलोड करते रहेंगे और इसका चैनल हम आपको बताना भूल गए, अब तक बताया नहीं। लोकगीत पर आपको मिलेंगे सारे सॉन्ग्स। yes. लोकगीत म्यूजिक इंडियन फ्लेवर। इंडियन फ्लेवर हाँ, इंडिया की हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू आनी चाहिए तो इसलिए हमने उसका उस चैनल का नाम ही बहुत सोच के रखा, लोक गीत मतलब लोक मतलब लोग और गीत मतलब गीत गाने नगमे, तो मिट्टी से जुड़े हुए नगमे। बट ये भी ना हमें लोगों को पसंद, हम पसंद करना भी जरूरी है, उनके सपोर्ट के बिना हम कैसे कुछ आगे कर सकते हैं? नो डाउट करेंगे क्योंकि अभी तक किया है ना। यस, क्योंकि तभी हम लोगों ने इतना बड़ा फैसला लिया है क्योंकि हम लोग को कॉल्स आते हैं, हम लोग को मैसेजेस आते हैं कि सर कुछ अलग कीजिए, कुछ और मतलब कुछ और अपने 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 चैनल से भी कुछ डालिए, तो ये हम लोग का अपना चैनल है, तो ये हम लोग की अपनी कंपनी है, तो इसके लिए तो वी आर ऑल टाइम रेडी, एवरी टाइम रेडी, तो मतलब उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। हम लोग मतलब कभी भी कुछ भी कुछ नया बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पूरी टीम है। right. और बस मजा आने वाला है। सबसे अच्छी बात है हमारी टीम में ना एक बेस मतलब लाइक यू नो पॉजिटिव एनर्जी, कोई भी मतलब कोई भी पिलर हम लोगों का लूज नहीं है। सबसे बड़ी बात सब एक्टिव है, सब एक्टिव है। ए देखो ये बीमार होके भी गा रहे हैं। प्लीज शो भाई पोषण तो करो एक गाना और आगे फॉरवर्ड करो की वॉल्वो आर्मी। एंड थैंक यू एंड सुशील सर के लिए मैं कुछ अच्छे कमेंट बोलना चाहूंगी। सॉरी एक मिनट
सीरियसली मेरा गला इतना खराब हो गया है ना, मैं बोल देता हूँ इनके सेट से अगर ये नहीं होते तो आज हम नहीं होते। या और सुबोध जी के लिए भी बोलना चाहूंगा मैं, नहीं सुबोध जी के लिए भी बोलना चाहूंगा क्योंकि इतनी अच्छी हीरोइन देने के लिए। सुबोध जी थैंक यू। मैं आप सबके सामने बोल रहा हूँ तो आप पहले मेरे भाई की आवाज सुनिए और मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा सपोर्ट भाई के लिए। तो कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हां तो आज मैं मतलब मेरा फेवरेट सॉन्ग है, एक्चुअली मुझे उसकी लैंग्वेज कम आती है समझ में, मतलब कम नहीं मतलब अराउंड 20% ही आती होगी, उसका मीनिंग मालूम है मुझे क्योंकि मैंने पूछ लिया है इसके वजह से, बट वो लैंग्वेज मुझे नहीं आती है। बट फिर भी मुझे वो सॉन्ग बहुत पसंद है और उस गाने का फील बहुत पसंद है। और आपको बताता हूँ सबसे बड़ी बात कि ये गाना मैंने पहले सुना था, इधर सुना इधर आया गया हो गया, बट जब भाई ने गाया ना तो मैंने वो गाना डाउनलोड करके सुना, पता है। तो ये रियलिटी है कि एक अच्छा सिंगर, एक अच्छा आर्टिस्ट, अच्छा फनकार जब चीज को प्रेजेंट करता है आपके सामने तो वो चीज आप पे असर करती है। और आई होप और वो कुछ अच्छी बन के निकलती है। नो डाउट, एक्चुअली माफी चाहूंगा क्योंकि क्या है थोड़ा वो सब हो गया है, वो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हम लोग आपका एग्जाम लेने नहीं बैठे हैं, माफी अपनी मांगने की जरूरत नहीं है। तो स्किल कर तो मैं पहले बोल दूं या आप? ये बहुत से लोगों का वैसे फेवरेट सॉन्ग है और कुछ मतलब कुछ कुछ लव स्टोरी लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर तो ये सबको पसंद आने वाला है। नो डाउट। तो मैं नाम बता दूं गाने का या आप खुद ही सुन के जान लेंगे? नहीं वो समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है चलिए आपके लिए यहाँ थोड़ा सा सस्पेंस में रखूंगा क्योंकि मेरा फेवरेट है, ऐसे तो नहीं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। चिरो दिनी तुमी जे जुगे जुगे आमी तुम्हारी, चिरो दिनी में नहीं हो आप? अच्छा अच्छा
अभी जो वेडिंग वेडिंग टाइम चल रहा है सॉरी सो आपका गाना कितना अच्छा है पता है न्यू कपल्स लोगों के लिए डेफिनेटली आपने सोचा भी है एक्चुअली एक्चुअली गले की खराबी के वजह से बहुत ही ज्यादा हां मुझे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है नो कोविड नहीं है मुझे कोरोना नहीं है होता है वी आर वैक्सीनेटेड या तो कोई इशू नहीं नेक्स्ट टाइम गवा लेंगे हम आपसे अभी तो एक सॉन्ग नहीं है बंगाली में आप बोलोगे मैं बोलूं ओके सो मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता दो ही तीन चीजें आती है अम्मी तुम्हारे भालोबाशी इसका मतलब मुझे बताओ तो अभी हमारे जो एक्टर साहब आए हुए आपके लिए कुछ ना कुछ बम पड़ने वाली तो अब वो शक्ति वालों ओके ना आप लोग इंटरटेन मतलब लाइक सॉन्ग्स अभी जो कंटिन्यू है वो सुनाएंगे कुछ ऑडियंस को हाँ वो तो मैं करूंगा लेकिन अभी अभी आप की जो बंगाली जो ऑडियंस है उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं उनको भी तो कुछ बोलिए राइट हाँ अब देखिए मैं नॉन बंगाली बंदा है उसको उनको बोल दिया अमी तुम्हारी भालोबाशी ना शोरा दादा आके बोलो तो अमी की बोलू अरे कहना बोल अमी अमी वो चाहिए कि तुम भी दो लाइन गाओ ना अमी हमार हमार मुंह को अमी करते नहीं एक्चुअली उनकी तबीयत खराब है तो उसकी वजह से कोई कोई इशू नहीं है एक घंटा हमने भी हमारा भी गला खराब थी तो भी हमने कोशिश करा क्योंकि ऑडियंस हमारे वजह से वेट कर रहे थे आपका गला माशाल्लाह बहुत प्यारा बहुत ब्यूटीफुल वॉइस है आपकी और मुझे पता है लाइक यू नो कि मैं तो सो हमारा सॉन्ग अभी फर्स्ट जेन राइट ना या फर्स्ट जेन को रिलीज हो रहा है और हमारे सॉन्ग को खूब सारा प्यार करो सपोर्ट करो और ऐसे ही हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लेके आएंगे तो हम लोगों ने आपके लिए बहुत सारे सॉन्ग्स बनाए हैं और मतलब इसमें काफी सारे सॉन्ग्स लाइंड अप हैं मैंने ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हम लोगों ने शूट कर लिया है रिकॉर्ड भी कर लिए हैं कुछ एडिट पर हैं कुछ एडिट हो चुके हैं कंप्लीट हो चुका है तो मतलब सब कुछ डन है रेडी है और जस्ट वी आर वेटिंग फॉर फर्स्ट ऑफ जन तो हम लोग बैक टू बैक आपके लिए सॉन्ग्स अपलोड करते रहेंगे और इसका चैनल हम आपको बताना भूल गए अभी तक बताया नहीं लोकगीत पर आपको मिलेंगे सारे सॉन्ग्स नगमे तो मिट्टी से जुड़े हुए नगमे बट ये भी ना हमें लोगों को पसंद करना भी जरूरी है
उनके सपोर्ट के बिना हम कैसे कुछ आगे कर सकते हैं, राइट? करेंगे, क्योंकि अभी तक किया है ना. यस, क्योंकि तभी हम लोगों ने इतना बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि हम लोग को कॉल्स आते हैं, हम लोग को मैसेजेस आते हैं कि सर कुछ अलग कीजिए, कुछ और, मतलब कुछ और अपने 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 चैनल से भी कुछ डालिए. तो ये हम लोग का अपना चैनल है, तो ये हम लोग की अपनी कंपनी है, तो इसके लिए तो वी आर ऑल टाइम रेडी, एवरी टाइम रेडी. तो मतलब उसमें कोई टेंशन ही नहीं है. हम लोग मतलब कभी भी कुछ भी कुछ नया बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरी टीम है, right. और बस मजा आने वाला है. सबसे अच्छी बात है हमारी टीम में ना एक बेस, मतलब लाइक यू नो पॉजिटिव एनर्जी. कोई भी मतलब कोई भी पिलर हम लोगों का लूज नहीं है. सबसे बड़ी बात सब एक्टिव है, सब एक्टिव है. ए देखो ये बीमार होके भी गा रहे हैं. प्लीज शो भाई पोषण तो करो एक गाना और आगे फॉरवर्ड करो की वॉल्वो आर्मी. एंड थैंक यू. एंड सुशील सर के लिए मैं कुछ अच्छे कमेंट्स बोलना चाहूंगी. सॉरी एक मिनट. सीरियसली मेरा गला इतना खराब हो गया ना. मैं बोल देता हूँ इनके सेट से अगर ये नहीं होते तो आज हम नहीं होते. या और सुबोध जी के लिए भी बोलना चाहूंगा. मैं सुबोध जी के लिए भी बोलना चाहूंगा क्योंकि इतनी अच्छी हीरोइन देने के लिए. सुबोध जी थैंक यू. तो अच्छा आप ये बताइए सुशील जी से आप मिलना चाहेंगे? बिल्कुल क्यों, मैं मिलाना चाहता हूँ. हाँ, मैं मिलाना चाहते हैं. एक बार शक्ल तो दिखानी पड़ेगी. फेस दिखाना बहुत जरूरी है. मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा लगेगा सब. अच्छा फर्स्ट सॉन्ग में नहीं आना चाहते हैं? ठीक है चलिए कोई बात, फर्स्ट सॉन्ग में नहीं रखते. अगर उनका मन है तो सेकंड सॉन्ग में रखते हैं. फर्स्ट ऑफ जनवरी को भी हम लोग लाइव आएंगे. हाँ हम सब इवनिंग में सेम टाइम पर. आप समझ सो फर्स्ट जनवरी में हम क्या कर रहे हैं, हमारी प्लानिंग क्या है? हमारी कोई प्लानिंग नहीं, जैसे आज भी कोई प्लानिंग नहीं. ये तो सरप्राइज है, मुझे भी सरप्राइज मिला. वी गॉट ऑनलाइन जस्ट ऑल ऑफ सडन. ओके सो अब हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे, तो आपको एक लास्ट गाने के साथ हम लोग वाइंड अप करते हैं और एक बढ़िया वाला गाना. जस्ट मैं मुखड़ा ही सुनाऊंगा क्योंकि मुझे ये गाना बहुत पसंद है, मुझे ज्यादा आता नहीं. Oh,
उनको रिप्लाई दो कि गा रहे हैं। उसको हम लोग ने सरप्राइज में रखा है, मतलब वो फंस जाएंगे देंगे। ठीक है, मैं आपको दो लाइन सुना दूंगा। अभी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्फिडेंशियल, तो वो जो गाने हम आपके लिए करने वाले हैं, आपके लिए लेकर आने वाले हैं, तो वो गाने हम जिस दिन हम लोग रिलीज करेंगे उसको आपके लिए अपलोड करेंगे, उसी दिन हम आपको फिर से हम लाइव आएंगे 30 मिनट्स पहले, उससे पहले हम लोग लाइव करेंगे आपके लिए। तो अभी के लिए हम लोग आपसे अलविदा लेते हैं। तो आप अपना सपोर्ट दीजिए और अपना प्यार यूं दीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स यूं दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट और प्यार के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। क्योंकि आर्टिस्ट तभी है जब ऑडियंस है, ऑडियंस जब लोगों का प्यार है। और अगर आप लोगों का प्यार नहीं होगा, अगर आप लोगों का प्यार नहीं मिलेगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम लोग को आपका प्यार चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो भी प्यार देती रही हमें से प्यार की नीड है अभी। तो अभी